नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मोबाइल रिपोर्टर न्यूज़ में। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार का सबसे बड़ा फैसला कश्मीर और धारा 370 पर। पाकिस्तान के छूटे पसीने, 10,000 सैनिकों को भेजा गया भारत के जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर। दोस्तों जानेंगे इन खबरों के बारे में। इससे पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, और साथ में इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों मित्रों के साथ में फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर ज़रूर करें, और साथ में वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें, यही हमारा मेहनत का फल होगा। तो दोस्तों फटाफट से जान लेते हैं इन खबरों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर बड़ी कार्रवाई की तैयारी में। सुप्रीम कोर्ट में धारा 35A की सुनवाई से पहले सुरक्षा बलों की मूवमेंट, 1000 कंपनियों को तैनात किया गया। दोस्तों जम्मू कश्मीर में सरकार ने बड़ी कार्रवाई के संकेत दे दिए हैं। पिछली रात दो बड़े घटनाक्रम से यह बात साफ पता चलती है। एक और JKLF प्रमुख याकिन मलिक को हिरासत में ले लिया गया है, वहीं दूसरी ओर राज्य में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। गृह मंत्रालय ने राज्य में सुरक्षा बलों के मूवमेंट बढ़ाने के निर्देश दे दिए हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म होनी चाहिए या नहीं? अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। सुरक्षा बलों के मूवमेंट के पीछे सुप्रीम कोर्ट में धारा 35A पर होने वाली सुनवाई को भी अहम कारण माना जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, गृह मंत्रालय 35A को लेकर बेहद सचेत है। इससे पहले जब भी सुप्रीम कोर्ट में 35A पर सुनवाई हुई है, राज्य में तनाव बढ़ा है। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई और फैसला आने की उम्मीद है। ऐसे में सरकार पहले से ही एहतियात बरत रही है। सूत्रों के अनुसार अनुच्छेद 35A को निरस्त करने के लिए सरकार जल्दी ही अध्यादेश ला सकती है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि घाटी में सुरक्षा बलों की तैनाती के लिए मोस्ट इमीडिएट ऑर्डर जारी किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा। गृह मंत्रालय की ओर से जम्मू कश्मीर के बड़े अफसरों समेत अर्धसैनिक बलों के कमांडरों को भी सचेत किया गया है। गृह मंत्रालय ने CRPF की 35, BSF की 35, SSB की 10, ITBP की 10 बटालियनों को फौरन रवाना होने को कह दिया है। वहीं दोस्तों हमारी अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में भेजी गई सुरक्षा बलों की 100 कंपनियां पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी शुरू। जी हाँ दोस्तों, पंजाब से डी पैरामिलिट्री फोर्सेज की 100 कंपनियों और करीब 10,000 जवानों को कश्मीर भेज दिया गया है। तो दोस्तों ये थी आज की बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों मित्रों के साथ में भी शेयर करें व्हाट्सएप फेसबुक पर, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।